भाभी जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं तो सिर्फ एक पैसेंजर हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी आ गई ना, तो ऊपर जाके क्या भूत दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सड़क 2 के ट्रेलर के बारे में। जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंडियन जोनी सिंस महेश भट्ट ने, फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है संजू बाबा, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर। साथ ही साथ इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो पूजा भट्ट का भी देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सड़क 1 से। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि सड़क 1 की कुछ फुटेज देखने को मिलती है और बैकग्राउंड में संजू बाबा कुछ कह रहे हैं, जिससे पता चलता है दोस्तों कि फिल्म की कहानी पहले स्टोरी से ही जुड़ी हुई नजर आ सकती है, जहां पे देखते हैं कि पूजा भट्ट मर चुकी है और संजू बाबा उनकी याद में एक जगह पड़े रहते हैं। फिर ट्रेलर में एंट्री होती है आलिया भट्ट की और आलिया भट्ट संजू बाबा से हेल्प मांगती है, लेकिन संजू बाबा उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। लेकिन किसी वजह से उन्हें पता चलता है कि पूजा भट्ट ने ही आलिया भट्ट को कहा था कि वो उनकी हेल्प करेंगे, तो अपनी मरी हुई पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे संजू बाबा आलिया भट्ट की हेल्प करते हैं और उन्हें ले जाते हैं एक रोड ट्रिप पे। फिर दोस्तों ट्रेलर में आगे देखते हैं कि एंट्री होती है आदित्य रॉय कपूर की, और आदित्य रॉय कपूर की एंट्री में गौर देने वाली बात यह है कि आदित्य रॉय कपूर को जेल से छूटते हुए दिखाया है, तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म के अंदर आदित्य रॉय कपूर की जो बैक स्टोरी है कि वो कैसे जेल में जाते हैं, ये भी हमें फिल्म में देखने को मिल सकती है। चलो दोस्तों, ट्रेलर आगे बढ़ता और फिर एंट्री होती है विलन्स की, और यहाँ पे देखते हैं कि विलन्स कुछ तरह के बाबाज बने हुए हैं और उन बाबाओं की स्टोरी काफी डराने वाली और भयंकर होने वाली है। अब दोस्तों बात करें कि ट्रेलर में क्या था खास और क्या था बकवास। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की पॉजिटिव चीजों के बारे में। तो ट्रेलर की सबसे पॉजिटिव चीज है संजू बाबा। संजू बाबा का जो कैरेक्टर है कि एक ऐसा इंसान जिसकी वाइफ मर चुकी है, जो जीवन से परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के जो मर्डर करने वाले हैं उनसे बदला लेना चाहते हैं, तो जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह के एक्सप्रेशन संजू बाबा के चेहरे पर देखने को मिलते हैं कि किस तरह से वो उदास घर में पड़े रहते हैं, लेकिन जब बदला लेने की बारी आती है तो किस तरह वो मटके लेके निकल पड़ते हैं। तो संजू बाबा का काम ट्रेलर में काफी दमदार लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ट्रेलर की एक और खास बात है इस ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर दोस्तों बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो सड़क 1 का म्यूजिक काफी ब्लॉकबस्टर था और सड़क 1 का एक एक गाना आज तक लोगों की जबा पर है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जब सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होगा तो सड़क 2 के ट्रेलर में भी एक दो गाने ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि काफी बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सड़क 2 के ट्रेलर में सिर्फ एक गाना बैकग्राउंड में बसता रहता और ये गाना भी उतना खास नहीं है। मुझे लग रहा था कि इसमें भी आशिकी 2 टाइप के कुछ सॉन्ग होंगे जो कि लंबे समय तक लोगों को याद रहेंगे, लेकिन सड़क 2 के ट्रेलर में कोई खास गाने देखने को नहीं मिल रहे। उम्मीद करते हैं कि जब इसका एल्बम रिलीज होगा तो कुछ अच्छे गाने शायद फिल्म में हो। इसके अलावा दोस्तों ट्रेलर की दूसरी नेगेटिव चीज है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इस ट्रेलर में एक जैसे एक्सप्रेशन लेकर चल रही है और वो संजू बाबा से बात करती है अच्छी वाली बात, जब भी उसके चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन रहते हैं। आदित्य रॉय कपूर के साथ होती है, जब भी उसके चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेलर में दूसरी खराब बात यह है कि आदित्य रॉय कपूर, जी हाँ दोस्तों आदित्य रॉय कपूर एक नंबर का एक्टर है और काफ़ी बढ़िया एक्टर है, लेकिन उस बंदे को ट्रेलर में जगह दी ही नहीं है। आदित्य रॉय कपूर के 2-3 सीन है ट्रेलर में और उनके डायलॉग तो ना के बराबर है। तो हो सकता है कि फिल्म के डायरेक्टर जहाँ महेश भट्ट है, तो महेश भट्ट ने फिल्म की कहानी पूरी तरह से अपनी बेटी यानी कि आलिया भट्ट को लेकर लिखी और थोड़ा बहुत रोल संजू बाबा का खास बता दिया। इसके अलावा आदित्य रॉय कपूर को ट्रेलर में पूरी तरह से इग्नोर किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिल्म के अंदर आदित्य रॉय कपूर का ज़्यादा काम हो। तो दोस्तों ओवरऑल कहो तो सड़क 2 का ट्रेलर देखने के बाद ये तो पता चलता है कि फिल्म एक लव स्टोरी है, लेकिन फिल्म में जिस तरह से विलन बाबाज को बताया है उससे लग रहा है कि फिल्म के अंदर कुछ बड़ा सस्पेंस भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आलिया भट्ट कहती है ना कि इन बाबाज की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है, तो अब वो अपना कौन था? क्या वो पूजा भट्ट थी या फिर कोई और आलिया भट्ट का जो अपना मरा है उसे मारा किसने है? संजय दत्त ने, आदित्य रॉय कपूर ने, या फिर जो बाबा बताए फिल्म के अंदर उन्होंने? शायद फिल्म में यही सस्पेंस देखने को मिल लगता है कि आलिया भट्ट जिस अपने के मरने की बात कर रही है वो आलिया भट्ट की बहन यानी कि पूजा भट्ट हो सकती है, जिसके हस्बैंड संजू बाबा रहते हैं और एंड में कुछ ऐसा खुलासा हो जाए कि संजू बाबा ने ही पूजा भट्ट को मारा था, या फिर आलिया भट्ट के लवर यानी कि आदित्य रॉय कपूर ने ही उसके अपनों को मारा हो, या फिर हो सकता है कि फिल्म में जो विलन है बाबाज उन्होंने ही आलिया भट्ट के किसी अपने को मारा है। तो फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से कंफ्यूज करने वाली है, यानी कि लव स्टोरी है, रिवेंज ड्रामा है या सस्पेंस थ्रिलर है। ट्रेलर देखकर कुछ भी
समझ में नहीं आया, तो शायद यही अच्छी बात है कि जब ट्रेलर में आपको पूरी स्टोरी के बारे में पता नहीं चले, जब भी फिल्म देखते वक्त आपके बीच में एक एक्साइटमेंट रहती है। तो दोस्तों ओवरऑल ट्रेलर मुझे एवरेज लगा, ना तो खास था ना तो कोई बकवास था। तो दोस्तों अगर आपने सड़क 2 का ट्रेलर देखा तो यह ट्रेलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।